ऑन टाइम बिल्कुल भी देर मत office, उनसे करो और वो जरूर से लो ताकि आप चौदह अप्रैल से लेट हो जाओगे तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस बार सो बी पंचुअल बी सीरियस इस चीज को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना क्योंकि एक बार चांस मिलता है कुछ नहीं पता है जितना हाई कॉम्पिटिशन अभी चल रहा है जीडीएस के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिले या ना मिले सो so, अगर आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तो बिल्कुल भी इस चांस को लूज मत करो सो so, उसी के साथ कैंडिडेट्स के काफी सारे अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं जिसकी क्वेरीज के मैं सॉल्व आउट करती हूँ हर एक वीडियो में सो so, जो भी सीरियस टॉपिक से रहते हैं जो ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है कि रिलेटेड जीडीएस के हो सकते हैं या काफी सारे जीडीएस के सेम क्वेश्चन के साथ सेम डाउट निकल सकते हैं तो मैं उस टॉपिक में वीडियो जरूर से बनाती हूँ अगर आपका भी ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, हुए, क्या एन ए है डाउट है प्रॉब्लम है या किसी फॉर्म को लेकर प्रॉब्लम है कोई फॉर्म

फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन रजनी यू आर ऑलरेडी डन विद यस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको सेकंड के लिए भी इंटीमेशन लेटर आ चुका है बट इन दैट मेल एंड एस एम एस दे आस कर्स टू कम एंड विजिट एस बी ऑफिस अगेन बट आई ऑलरेडी डन फर्स्ट डी वी वी हैव वेरीफाइड और डॉक्यूमेंट इन द एच ओनली वेदर दिस मेल और एस एम एस रॉन्गली सेंड टू एवरी वन सो देखो डिपार्टमेंट अगर पहली बात तो डिपार्टमेंट गलती करता नहीं है अगर गलती हो भी जाए तो एक कैंडिडेट को जाएगा दो कैंडिडेट को जाएगा सभी को नहीं जाता है दिस इज द प्रोसेस यू आर न्यू इन द डिपार्टमेंट दैट्स वाई यू डोंट नो अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस सो बेसिकली होता क्या है फर्स्ट डीवी में आपको जो है वेरीफाई किया जाता है आपके डाटा जो भी आप फॉर्मर डालते हो आपका मेट्रिकुलेशन का आपका कास्ट का तो उनको जस्ट मैच uh, किया जाता है कि जो आपने डिटेल्स डाली है वो एक्यूरेट है या नहीं दैट इज नॉट द एक्चुअल वेरिफिकेशन दैट इज जस्ट योर वेरिफिकेशन जो आपने डाटा डाला है वो सही है कि नहीं ताकि आपको क्वालिफाई या डिस्कालीफाई किया जाए ताकि नेक्स्ट आप स्टेप में जाओ तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप जाओगे तो वो प्रोसेस एक्चुअल में आपका सेकंड डीवी से ही वेरिफिकेशन जो है शुरू होएगा क्योंकि उसमें जाके आपके काफी सारी आपके होगा वेरिफाइड होंगे से आपने अपना क्वालिफिकेशन डन किया है जिस बोर्ड से किया है जहाँ से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है वहां से वो वेरीफाई होगा आपके अभी पुलिस वेरिफिकेशन भी रहती है अब काफी सारे डॉक्यूमेंट्स है जो भी बनवाने वाले रहते हैं जो आपकी ग्रामीण डाक पंचायत है उससे भी आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स uh, या प्रूफ्स वगैरह बनवाने हैं तो एक्चुअल में सेकेंड डी है जो एक्चुअल प्रोसेस होती है इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस लास्ट ईयर जब न्यू प्रोसेस हुई थी तो मैंने उसके ऊपर भी डाली थी वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो होल सिलेक्शन प्रोसेस चेकआउट कर सकते हो उसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाला था कि कैसे कैसे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है सो so, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बता सकते हो बाकी आप जरूर विजिट करो ऐसा कुछ नहीं है रॉन्गली डिपार्टमेंट किसी को नहीं मेल करता है दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस सो इसको अभी समझो फर्स्ट TV हो चुका है सेकंड के लिए विजिट करो उसमें आपको जो भी रह चुके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और ये प्रोसेस काफी लंबा रहता है तो बी uh, पहले बात तो बेस्ट ऑफ लक और आगे कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी क्वेश्चन होगा जरूर से बताना आई विल श्योरली हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद विद न्यू न्यू टॉपिक वीडियो तब तक स्टे सेफ स्टे स्टेट एंड बेस्ट ऑफ लक यूर फ्यूचर होप्स रजनी आपका और काफी सारे कैंडिडेट्स जिनका सेम माइंड में क्वेश्चन होगा अभी तक क्लियर हो गया होगा तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक है और जितने भी शॉर्टलिस्ट का वेट कर रहे हैं सेकंड वाले का उनको ऑल द बेस्ट है मे ऑल द कैंडिडेट्स विल सेलेक्टेड इन द सेकंड शॉर्टलिस्ट एंड Further more shortlisters, and thank you so much for watching and keep supporting, keep loving, and don't forget to subscribe my channel.